हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोंगो ट्रेक। दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं होंडा सीबी 150R एक्स मोशन के बारे में, जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले है। एक नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है ये। अभी के टाइम पे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के क्रेज दिन का दिन बढ़ते जा रहा है। बाकी अदर्स कंपनी की तरह होंडा ने भी काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन दोस्तों होंडा सीबी 150R ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। इस बाइक को जल्द से जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। तो ये बाइक कब तक लॉन्च होने वाला है, इसका क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिलेगा, साथ में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में क्या इसका प्राइस देखने को मिलेगा, सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। आने वाले दिनों में अगर आप भी कोई नई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बाइक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। तो दोस्तों, इस बाइक में 159cc का सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा। 20 HP पावर जनरेट देखने को मिलेगा, साथ में 15 Nm टॉर्क जनरेट देखने को मिलेगा होंडा की इंजन में। इस बाइक के अंदर 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बाइक के अंदर असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा। इस बाइक के फ्रंट में 41mm की टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फोर्क्स देखने को मिलेगा, वो भी गोल्डन कलर में, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इस बाइक के रियर पार्ट्स में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, 139 ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, 739 सीट हाइट, 1973mm की टोटल लेंथ देखने को मिलेगा, 123 kg वेट देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है, 8.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के बारे में। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल फुल डिजिटल देखने को मिलेगा। इसमें ट्रिम मीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, फ्यूल गॉज, क्लॉक, लो बैटरी इंडिकेटर, सारा बेसिक फीचर्स देखने को मिलेगा। बात करें इस बाइक की लाइटिंग सेटअप के बारे में, तो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED लाइट देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको राउंड शेप में हेडलाइट देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर काफी कंफर्टेबल फीचर्स मिलने वाला है। पिलियन फुटरेस्ट, गैब्रियल, इलेक्ट्रिक स्विच, सारा कंफर्टेबल फीचर्स मिलेगा होंडा की तरफ से। फ्रंट में आपको 296mm की सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और रियर में 220mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 100x70 का और रियर में 150x60 का टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। दोनों टायर आपको 17 इंच का एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेगा। कंपनी क्लेम करती है कि 45 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देखने को मिलेगा। बात करें बाइक की कलर ऑप्शंस की, तो गाइस, तो इस बाइक में आपको 4 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में काफी टाइम से अवेलेबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों, इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है वो लगभग 150,000 के आसपास देखने को मिलेगा। वही बात करें लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो दोस्तों ये बाइक 2023 के अंदर कभी भी लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आने से यामा MT-50 को डाउन कर सकता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस सारा डाउट क्लियर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सेफ ड्राइव, बाय बाय।